पत्रकारों को किया सम्मानित। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जमकर कहर बरपा रखा है और इस वायरस से लाखों लोग संक्रमित हैं, जबकि कई हजार लोगों की मौत भी हो चुकी है तथा भारत में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है और इस लॉकडाउन के बीच कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए मैदान में डटे हैं, जिसके चलते गदरपुर के पत्रकारों को भाजपा के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कम्बोज धर्मशाला में कलम, सैनिटाइजर व फेस शील्ड देकर पुष्प की वर्षा करते हुए ताली बजाकर सम्मानित करते हुए कहा कि पत्रकारों को सम्मान करने के लिए सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोरोना महामारी के दो महीने के बीच पत्रकारों द्वारा उनकी मेहनत व साहस का कार्य लोगों के लिए बेहद योगदान का कार्य रहा, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और कहा कि कलम के द्वारा ही वे अपराध को लिखने व सच को लोगों के सामने लाने का कार्य करते हैं और पत्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। पूरे दुनिया में जिस तरीके से भय का वातावरण बना पड़ा है, उस भय के वातावरण में समाज के चौथे स्तंभ पत्रकारों ने जिस निर्भीकता के साथ, जिस बहादुरी के साथ समाज को जगाने का काम किया, समाज के बीच में रहकर इस बीमारी से लड़ने की ताकत आम जनता को प्रदान की, इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के मंडल ने ये तय किया गया कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज के अंदर इस लड़ाई को लड़ने का जज्बा भरा और बहादुरी के साथ अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, और उनकी प्रेरणा से ही, पत्रकारों की प्रेरणा से ही जनता में जो साहस पैदा हुआ है, उस साहस से हम इस कोरोना को समाप्त करके विजयी बनेंगे। उनकी इस भूमिका को लेकर ही इन आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को मन से सम्मान करते हुए आज उनको सम्मानित किया गया।